इतना पसीना बह रहा है, इतने मोटे मोटे लेडीज चल रहे, भाग रहे और हांफ रहे, उनको देख के कुछ होता है कि ये इतना मेहनत क्यों करने का, आराम से खा पी के वजन कम कर रहे हम लोग। तो पता नहीं ऐसे कुछ मिरेकल हो जाए और सबको पता चल जाए कि ऐसे इजीली वेट लॉस होता है। बहुत लोग मुझे मॉर्निंग में भागते हुए, जॉगिंग करते हुए देखते हैं तो मुझे दया आती है उनको, जाके ऐसे लगता है नीचे जाके उनको पकड़ू और बोलू ये सब करना बंद करो एंड ज्वाइन दिस प्रोग्राम। मुझे लगा पागल समझेंगे लोग, पर इतना पसीना बह रहा है, इतने मोटे मोटे लेडीज चल रहे, भाग रहे और हांफ रहे, उनको देख के कुछ होता है कि ये इतना मेहनत क्यों करने का, आराम से खा पी के वजन कम कर रहे हम लोग। तो पता नहीं ऐसे कुछ मिरेकल हो जाए और सबको पता चल जाए कि ऐसे इजीली वेट लॉस होता है। तभी मेरा वेट 79 kg था और वो मेरे प्रेगनेंसी यानी 10 years पहले 2012 से मेरा जो शादी के बाद वेट बढ़ी रहा था, 2012 में बेटी के जन्म के बाद मेरा वेट वो टाइम पे 77 kg था। वो जॉब और हेक्टिक था जॉब, वो टाइम पे मेरा कुछ जाके कभी 75 टच होके वापिस 1-2 महीने में 76 और वापस बढ़ना चालू हो गया था। लॉकडाउन में 79 हो गया तो ऐसे लगता था इतना वेट कैसे कम करने का, और आई वॉज अंडर वेट, यू नो इन माई कॉलेज डेज आई वॉज अंडर वेट, तो खाऊ खाऊ और बढ़ाऊ वो भी नहीं होता था वो टाइम पे, और यहाँ कम खा के ना वॉक सब कर करके भी कम नहीं हो रहा था। और मैं योगा करती थी नीचे हमारे बिल्डिंग नीचे सोसाइटी में ही है योगा सेंटर, वो भी 5 महीने किया, 10 ग्राम कम नहीं हुआ, उल्टा 2 किलो और बढ़ गया था। बोला ये कुछ पॉसिबल नहीं है। निधि आई एम वेरी थैंकफुल टू हर के लुकिंग एट हर, ऐसे बोलते हैं ना किसी में चेंज आता है तो दूसरों को मन होता है, शी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल के उसमें इतना मैंने चेंज देखा। फिर मैंने आपका एप्स चैलेंज किया, इट वॉज सो फैंटास्टिक, मैंने इतना अच्छा वर्कआउट कभी लाइफ में नहीं किया। आई वॉज सो लाइक एनर्जेटिक फुल के नहीं करना ही है, सुबह कभी फ्रूट नहीं खाया था, और मैम अभी तो ऐसे हालत हो गई है सुबह उठते बहुत भूख लगी है पहले फ्रूट खाने दे, और अभी भी मैम 5 बजे पिंक चना से कुछ नहीं होता है, मैं तो खा ही लेती हूँ 5 बजे। और मैम मैंने मैंने समोसा खाया है, जलेबी गाठिया खाया है, मैंने कचोरिया खाई है पर मैम दिस टेक्निक इज अमेजिंग के खाओ और वापिस कैसे नीचे आ जाओ। इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं 2.5 महीने तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि कैसे कम होगा, इतना खा लेंगे अभी क्या करेंगे। पहले तो खाने को टेंशन आता था, पिज्जा विज़ा कुछ खाना हो तो अरे बाप रे, तो बाप रे 79 के ऊपर 80 तक पहुंच जाऊंगी, नहीं खाना है नहीं खाना। अभी तो टेंशन ही नहीं है, मन हुआ खा लो, फिर यू नो हाउ टू रिमूव दैट एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम यू। तो इतना अच्छा ब्यूटीफुल टेक्निक है मैम, कोई ऐसा तो गिफ्ट दे ही नहीं सकता प्रोग्राम छोड़ने के टाइम पे। सो वंडरफुल प्रोग्राम मैम, आपका जो डाइट है एक्सरसाइज है अनकम्पेरेबल, इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोज है पर आप को एक्सरसाइज करते हुए जो देखते हैं और जो एनर्जी आती है ना किसी से भी नहीं आती है। और मैम मैं मेरे शादी के चनिया चोली में फिट हो रही हूँ, सारे शादी के ब्लाउज वो भी ढीले हो रहे हैं मुझे, तो वो उसमें फिट होना वॉज माई टारगेट, लाइक यू नो उसमें मैं फिट हो जाऊँ ना देन आई कैन कंसिडर माई सेल्फ कि हाँ आई हैव लॉस्ट वेट, तो वो भी मैम ढीले हो रहे हैं अभी मुझे। तो जो चाहिए था ना, बोलता है ना 3 महीने में दिखा दिया आपने, जो भी चाहिए था 10 साल से नहीं हुआ, 3 महीने में आपने कोई दवाई नहीं कुछ नहीं ऐसे मस्त खाना खा के हमने वेट लॉस कर दिया है। और एक चीज, मैं डॉक्टर को मिलने गई थी, आपका वेट लॉस चालू करने से पहले ही मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था, थायराइड है मुझे 2000 से थायराइड है, वो डॉक्टर ने मुझे वेट लॉस करने को बोला था, पर जब भी जाती थी ना वेट थोड़ा थोड़ा 1-1 किलो बढ़ता ही जाता था। ये टाइम मैं गई तो उन्होंने देखा, माई गॉड 79 से 65, हाउ यू डिड इट। तो मैंने बोला आई हैव ज्वाइंड योर प्रोग्राम, आपका नाम दिया और फिर बोला, बोलता है आर यू अलाउड टू ईट एंड ऑल दैट, आई सेड हाँ पूरा हेल्दी फूड दो, मैंने उसको पूरा बताया। इट वॉज सो शॉक के इतना इतना वेट लॉस आप करके आए हो, अमेजिंग। थैंक यू विजल जी, थैंक यू अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए और अपनी सुंदर जर्नी को लोगों को बताने के लिए।